क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन ने अपना फिल्म फेयर अवार्ड किस एक्टर के साथ शेयर किया? तो चलिए, क्या आप जानते हैं शो में आज बात करेंगे इसी किस्से पे। लेट्स स्टार्ट, क्या आप जानते हैं शो। फिल्म फेयर अवार्ड बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर अवार्ड माना जाता है। ये अवार्ड जब भी किसी को मिला है तो उस स्टार की किस्मत बदल जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन अपने स्ट्रगलिंग डेज में कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तब उन्हें फिल्म आनंद के लिए बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और इस अवार्ड के बाद अमिताभ बच्चन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह कई ऐसे अदाकार हैं जिनकी किस्मत फिल्म फेयर अवार्ड से ही बनी है, जैसे अनिल कपूर। इनकी भी कहानी अमिताभ की तरह है। और फिल्म मसान में जब उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तब कहीं जाकर उनका स्ट्रगल ख़त्म हुआ और वो एक बड़े स्टार बन गए। बहुत बार फिल्म फेयर अवार्ड को अनफेयर अवार्ड्स भी कहा गया है, क्योंकि कई एक्टर्स का मानना है कि फिल्म फेयर अवार्ड में पार्शलिटी होती है। लेकिन आज भी फिल्म फेयर अवार्ड सबसे पॉपुलर अवार्ड है। 1992 में फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड की बड़ी ही कमाल लिस्ट थी। इस कैटेगरी में उस साल के बड़े अदाकार थे, जैसे दिलीप कुमार फिल्म सौदागर, राजकुमार फिल्म सौदागर, अनिल कपूर फिल्म लम्हे, आमिर खान फिल्म दिल है कि मानता नहीं। और इन सभी महारथी एक्टर्स के साथ एक उभरते हुए चेहरे यानी कि संजय दत्त का भी नाम था, जिन्हें फिल्म साजन के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। जिन्होंने साजन फिल्म देखी है वो मानेंगे कि फिल्म में संजय दत्त ने वाकई अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। इस फिल्म में संजय दत्त हैंडीकैप पोएट बने हुए हैं और उनका रोल बड़ा ही इमोशनल था। लेकिन फिल्म फेयर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया फिल्म हम के लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अवार्ड स्वीकार करते समय अपना अवार्ड संजय दत्त के साथ शेयर किया। अमिताभ ने अपनी स्पीच में कहा, द थीम फॉर टुडेज अवार्ड सेरेमनी इज द ब्रेव न्यू फेस एंड आई डोंट सी how I fall into either of those two categories. I'm neither brave anymore, neither is my face new. And since the theme of today's function is for the future, for the new, I would like to share this award with my colleagues of the future, Mr. Sanjay Dutt and Amir, and I'd be grateful if they could come up on stage with me. आप सब जानते हैं कि आमिर खान ने फिल्म फेयर अवार्ड को बायकॉट कर दिया था, इसीलिए वो फंक्शन में नहीं थे। लेकिन संजय दत्त ने स्टेज पर आकर अमिताभ के हाथ से अवार्ड लिया और उनका धन्यवाद किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।